Look out, here she comes. The woman that I love. ये देखो जी दर्शक. हेलो. राहुल देखो इतना ज्यादा एक्साइटेड. राहुल को इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है मेरे घर में आके. तो मेरे घर में ना ये बहुत बड़ा एक नींबू का पेड़ है, एंशियंट टाइम का. ये बहुत पुराना एक नींबू का पेड़ है और इसकी खासियत यह है ये नींबू इस पे बहुत बड़े बड़े लगते हैं और नींबू जो लगते हैं उनमें बीज नहीं होते हैं. एंड राहुल गेट्स वेरी एक्साइटेड व्हेन ही कम्स हियर. सेठी साहब, हां जी, निकलो. दिखने लग गया. हेलो, कैसे हैं सारे? तो ये देखो, देखो भाई कितने बड़े बड़े नींबू हैं. अरे 12 मासी नींबू है. 12 महीने आते हैं और ये नींबू ना भाई 12 महीने लगते हैं. और मैं भी आपको एक काट के दिखाऊंगा इसकी खासियत. हैप्पी बोलती है कि नींबू लेके आना, नींबू लेके आना. और वो फिर आगे सबको बांट देती हैं, जिस जिसको अगर हम ज्यादा लेके जाते हैं जब लगे होते हैं तो वो सबको बांट देती है नींबू. तो बहुत ही बढ़िया नींबू है ये. और यही फन है भाई इधर का, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. हमारे वहाँ पे पेड़ वेड़ लगाना है तो नीचे जाना पड़ता है और सामने वाले गार्डन में लगाना पड़ता है. छत पे से हमें लोग देख रहे हैं, वो छत पे खड़े हैं. ये देख राहुल भाई ने क्या किया हुआ. ये ना यहीं पे जो घर का कूड़ा वूड़ा होता है, ग्रीन्स जो भी मतलब घर के वो वाला कूड़ा होता है, वो यहीं पे डाल के वो अपने खुद ही खाद बनाता है और खुद ही पुट्स इट इन द गार्डन. भाई बड़ा एक्टिव है यार इस चीज को लेके ना, गार्डन को लेके. पापा भी आते हैं यहाँ पे तो उनको बड़ा अच्छा लगता है. पापा भी एंजॉय करते हैं उसके साथ, पौधे उधे लेके जाते हैं यहाँ से. तो ये इतने सारे नींबू ले लिए अभी हमने और इसको मैं आपको खासियत दिखाता हूँ. चलो भाई, ये देखिए म्यूजिशियन. सो गाइस, ये नींबू की बात कर रहा था मैं. ये ग्लास दिया खाली, मैं आपको दिखाता हूँ. पहली चीज, इतने बड़े बड़े नींबू लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े कि कोई हिसाब नहीं है. और ये देखो, हिसाब राहुल की एक्साइटमेंट का नहीं है. ये देखो, सीड्स ही नहीं है भाई, गायब. चूमंतर, ये सारे जादूगर हैं यहाँ पे, मुझे पता है. इन्होंने जादू करा हुआ है नींबू वाले पेड़ पे. ये देखो, एक भी बीज नहीं. और अब दिखाता हूँ मैं आपको एक नींबू से कितना. पहली बात तो नींबू आता ही नहीं इसमें यार, इसमें तो आएगा ही नहीं. इसमें देखते हैं, ये आधा गिर भी रहा है मेरे से. अभी तो कितना है कि प्रेस भी नहीं होगा इतना अच्छे से. ये आधा नींबू का है रस और बिल्कुल ऑर्गेनिक है. हाँ, ऑर्गेनिक मतलब कोई ये वो नहीं डालते भी. मैंने आपको बताई, देखो हाँ, केमिकल्स नहीं डालते हैं लोग कुछ भी इस पे. और कितना टाइम पुराना है भाई ये पेड़? हो गए होंगे 17 साल इस पेड़ को लगे हुए. 17 ईयर्स. अच्छा, पेड़ को लगे हुए होगा ना. हाँ, 17 साल हो गए. सिमर से भी पुराना है यार. देखो मैं तो हूँ ही इतनी. मम्मी सिमर के भी पैदा होने से पहले लगा था ये. मैं क्योंकि 16 ही साल की हूँ ना. मेरी 16 साल की लड़की की इतने बड़े आदमी से शादी हो गई. गाइस अभी गिर चुका है लेकिन लेकिन हम लोग बाल बाल लग गए हैं तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसे. लेकिन आप ये देखो, रस मौसमी का रस, मतलब अभी बहुत है इसमें और ये इतना निकला है. सो ये खासियत है यहाँ की नींबू. हाँ बेटा पियो, पीजो पीजो सारा पीजो. यार मौसम ना इतना अच्छा हो रखा है, इतना उम्दा मौसम हो रखा है और हम सारे ऐसे बाहर ही बैठे हैं बिल्कुल कल जैसे. देखो 8-10 के बाल भी उड़ गए. ला 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 ला. ओ भाई चलो. ओ भाई चलो. हमें यार ये ऐसे बोल रहे हैं, चलो भाई चलो यहाँ से, चलो 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 ऐसे निकलो जब हम वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं. नहीं, ओ भाई चलो. यहाँ रहते हैं देसी बंदे भाई, बिल्कुल टोटली देसी. जो काम ही देसी है. हम भी देसी है भाई, हम भी देसी है. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सो वेलकम टू द सेठी फैमिली चैनल गाइज. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस. सो आवर डे हैज स्टार्टेड. दोज हु नो अस और जो हमें पहली बार देख रहे हैं, मैं हूँ समर और ये हैं राहुल. और आप कौन है जी? मैडम रीता. सो यार अभी हमें बस थोड़ा सा काम था, हम थोड़ा सा निकले थे और हमें थोड़ा गुरुद्वारा जाना था तो वहाँ जा रहे हैं और फिर आगे दिन की शुरुआत करते हैं.
ऐसे ही रिदा को गाय, रिदा और गुरमन को गाय घुमाने कह रहा हूँ गाँव घुमाने लाया था, और हमें ये बर्ड दिखी इतनी प्यारी सी। और पापा ने बोला वो आओ काऊ दिखाने, ये देखो गाइस ये पड़ी है काउडंग इस, और ये कितनी प्यारी सी बर्ड है ये देखो, वाव सुंदर सुंदर है ना रिदा, कितनी सुंदर है ना। ये गई 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 गई, इसको हमसे डर लग रहा था ये चली गई है। और ये काउडंग अब रिदा इससे खेलेगी काय है की बात है रिदा खेलते हैं इससे, खेल सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं बाइक पे दोबारे, ये गांव के बीच में से जा रहे हैं। सो हम जा रहे हैं, मेरे गांव में गुरुद्वारा है और बहुत महानता है इस गुरुद्वारे, बहुत महानता है गुरुद्वारे की, बिकॉज जो बंगला साहब गुरुद्वारा है वो श्री हरकृष्ण साहब जी का गुरुद्वारा है और ये भी उन्हीं का गुरुद्वारा है। तो सीधा राइट, सीधा सीधा, ये देखो पूरा गांव की गलियां, ये आ गए हैं यार हम गुरुद्वारे, पास ही है ये घर के ना बिल्कुल। यहाँ पे साइड पे सरोवर के पास आ गए हैं यार हम ना, जब छोटे छोटे होते तो एवरी संडे मतलब हम आते ही आते थे गुरुद्वारे, बिकॉज मैं यहीं पे रही हूँ तो ऐसा होता था कि संडे को आना ही आना है। देखो आपसे है आपके पास कुछ खाने के लिए, देखो इतनी सारी छोटी फिशेज दी हैं, कितनी सारी छोटी फिशेज हैं। अब तो गुरुद्वारे में काम वगैरह भी इतना चल रहा है, पहले ये जो मेरे पीछे अभी दिखाई दे रहे हैं सिर्फ यही वाले थे, अब तो लेकिन साइड में भी बन गया है। शांति। हाँ जी रिदा आपको कैसा लग रहा है बाइक पे? मैं आगे बैठी हुई तो मुझे कहीं कुछ चुभ रहा था, अब मैं सोचा कि पापा आगे बैठे थे और मम्मा पीछे सबसे पीछे और मैं बीच में, तो मैं बीच में बैठी हुई हूँ अभी। और अब आपको कुछ चुभ नहीं रहा? यार मुझे तो ना गुरुद्वारे आके बहुत सुकून और शांति मिलती है, यहाँ पे आके बैठो थोड़ी देर और यू नो आराम से बस अंदर जो पाठ चल रहा होता है वो सुनो, इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ यार, इट्स सो नाइस। आए भैया ये कहाँ से आए? सहारनपुर के आम है, एकदम चल गया जी बस इसका लास्ट है। आपके वहाँ अपने खेत है, इसके अपने पेड़ है? बहुत है, सौ सौ के किले, तीन तीन सौ के। आपके अपने हैं या खरीद के लाते हो? खरीद के लाते हैं जी। अच्छा खरीद के लाते हो? अरे बाग में लग रहा चौसा ही भी। अभी चौसा टूटेगा जी। अच्छा कितनी देर में? बस चार पाँच दिन का रह गया ये चार पाँच दिन का है, उसका चौसा आएगा? चौसा आएगा, सौ का डेढ़ किलो। इस बार तो अच्छा अच्छा आया आम है ना? हाँ इसका ज्यादा आया। चलो ठीक है, थैंक यू भैया, हैप्पी हो सर आम लेके? अभी जाते ही काटूंगा और फ्रिज में ठंडा करके खाऊंगा। वेरी नाइस, गिव इट टू मी। हमारे घर मेहंदी वाले भैया आए हैं। हेलो भैया रिदा क्या हो रहा है? मुझे कल शादी में जाना है इसलिए मैं मेहंदी लगवा रही हूँ अपने पैर में। कौन सी शादी में जाना बेटे? कल कल मैं बड़ी हो जाऊंगी कि मुझे शादी करनी है, मैं मेहंदी अपनी। और किसकी शादी है कल?
आप ही की शादी है कल? हाँ। लड़का कहाँ है? लड़का जिसे शादी होनी है? गुरमन। गुरमन तो भाई है अपना। भाई से शादी नहीं कर सकते। ये ना आई थिंक ये ना हर बच्चे के साथ होता है, जब वो ये बातें करते हैं ना तो वो बोलते हैं या तो अपने भाई का नाम लेते हैं या अपने पापा का नाम लेते हैं। तो दिस इज द स्टोरी विद एवरी किड, नहीं राहुल? यार मुझे तो याद नहीं कि मैंने करा। हाँ, लड़कियों को शौक होता है मेरे ख्याल से। हाँ नहीं, वो बोलते वही है ना, बिकॉज आपकी आप जानते किसको लड़का जो होता है। हाँ, वो आप या तो अपने भाई को जानते हो, बट लड़के भी बोलते अपनी बहनों को, या अपने पापा को जानते हो। लड़के बोलते हैं अपनी बहनों, लड़के पहले से ही शादी से ना थोड़े डरे हुए होते हैं, लड़कों को पता होता है कि क्या होना है उसके बाद। तो इसलिए शायद लड़के कहते हैं नहीं जी नहीं करनी शादी। हाँ। वो अपने बहन भाई को देख के समझ जाते हैं। तो यार अभी मेहंदी लगा रहे हैं, अर्घिता को ये पैकेट मिल गया गलती से कहीं से, ठीक है, और तब से सुबह से वो लगी हुई है कि मुझे ये कि मेरे पैर में लगा दो, मेरे हाथ में लगा दो। तो बस अभी इसने पकड़ लिया मुझको और अब मैं इसको ये, अभी हम गुरुद्वारे से आए थे तो मैंने कहा चल मेहंदी लगा ही देते हैं इसको फाइनली। अपना डिजाइन दिखा दो एक बार, ये गुरमन भैया ने लगाया रिदा को। अब मुझे ये भी वॉश करूंगी मैं, अब इसका भी डिजाइन, अब इसका भी डिजाइन, अब क्वालिटी वॉल्स बना दिया है गुरमन भैया ने। क्वालिटी वॉल्स का साइन कुछ ऐसे ऐसे ही होता है। ये लगी है भाभी और ननंद, आज फिर से सिमर चढ़ी चौके। क्या बन रहा है? टाकोस बन रहे हैं। टाकोस? यस। जो तुमने पिछली बार वो घर में बनाए थे वही वाले? हाँ, जो मैंने पिछली बार आलू वाले। आलू वाले। वेरी गुड वेरी गुड। सामान आ गया सारा है? हाँ, यार हम ना हर बारी कुछ ना कुछ बनाते हैं, फिर लोग रेसिपीज ही पूछते रहते हैं, तो तुम थोड़ा सा जल्दी से बता दो और बहुत छोटे से रखना ताकि लोग बना सके जिन्होंने बनाना है। तो क्या किया अब तक हमने? तो हमने कुछ नहीं यार, आलू लिए हैं मैश करके, आप उसके बाद शिमला मिर्च ले सकते हैं और प्याज थोड़े से, वो देखिए वहाँ पे दिखा दो, प्याज बड़े बड़े काट के लंबे लंबे ऐसे कर लेने हैं। ठीक है, इसको ब्राउन करना है प्याज को, ब्राउन करना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी शिमला मिर्च भी उसमें एंड में, बिकॉज शिमला मिर्च कच्ची कच्ची रहती है तो ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, सो आपने इसका एक मिक्स बनाना, जब वो हो जाएंगे आप रेड चिलीज भी ले सकते हैं, इन तीनों को मिक्स कर देना है। ठीक है, रेड चिलीज भी ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, रेड चिलीज को हल्का सा फ्राई करके नूडल्स में डाल सकते हैं। मैं सिंस बच्चे भी खाएंगे सो मैं रेड चिली नहीं डाल रही हूं। ठीक है, उसके बाद आपने आटा गूंद लेना है और नमक और घी डाल के, नॉर्मल नॉर्मल आटा जो है, कोई बेसन नहीं कोई मैदा नहीं, नमक और तेल डाल के। ठीक है, नमक और तेल डाल के और पूरा आटा, और उसके बाद आटे को थोड़ा बेल लेना है और रोटियां ना कच्ची 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 रख लेना, पहले बना के रख लेनी है। ठीक है, मतलब रोटी नहीं बनानी है, वो कच्ची ही तवे पे सेकनी है। ठीक है ठीक है, उसको निकाल लेना है। फिर एज पर योर टेस्ट उस पे जो भी आपने लगाना चाहते हो, केचप, ग्रीन चिली सॉस, व्हाटएवर यू लाइक मेयो यू कैन पुट। अच्छा, और ये मिक्स करके, हाँ, आलू वो सब प्याज मिक्स करके, और इसमें अपने हिसाब से आप अपना मसाला डाल सकते हैं, नमक, गरम मसाला, चाट मसाला, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन पुट। थोड़ी देर पकाना है। ठीक है, कुछ ऐसा प्रिपेयर होगा, ये पराठे पहले बना लिए हल्के हल्के, और हाँ मतलब रोटियां हैं, और उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करके इसमें डाला गया है वो आलू का मिक्सचर और चीज ग्रेटेड और थोड़ी सी सॉस डाली गई है। उसका नेक्स्ट स्टेज आता है ये, जिसमें आप इनको पकाते हो, कितनी देर तक पकाना है दिखा दो एक बारी, इस लेवल तक, लाल तक आपने पकाना है इसको, और ये आपके क्रिस्पी टैकोस होममेड तैयार है। थैंक यू सिमर।